वो क्या है राजकृत की ओर सुनो, वो है क्या सुनो राजनीत की ओर, कि जो भरा नहीं है भावों में बहती जिसमें रसोधारो नहीं वो हृदय नहीं। अगर वो हृदय नहीं है तो वो है क्या जो इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, इस मातृभूमि के लिए प्रेम नहीं रखता। अगर वो हृदय नहीं तो वो है क्या, तो वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यारो नहीं। हम भी कहा करते हैं राजनीति की ओर, इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस वसुंधरा के लिए, और बार बार कहा करते हैं और आज आज भी कह रहे हैं, और वो है क्या, स्वीकार करो राजनीति की ओर, सुनो सुनो राजनीति की ओर, और वो है क्या, मातृभूमि। इस मातृभूमि के लिए, इस वसुंधरा के लिए हम आज भी कह रहे हैं और बार बार कहा करते हैं, और है क्या, मातृभूमि को मेरा और ये सतो सतो नमन बंदन हमारा मातृभूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदन हमारा अबलिदान हो। बलिदान, कैसा बलिदान, बलिदान तो आप लोगों ने किया होगा और सुना भी होगा, किसे कहते हैं बलिदान, बलिदान तो ना जाने कितनों लोगों ने किया होगा, पर किसे कहते हैं बलिदान, क्या है बलिदान, तो जो सीमा पर पार गवाते वो सच्चा सेनानी, और मातृभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी। जिस देश का दाना खाते हो और जिसका पीते हो पानी, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी, इसे कहते हैं बलिदान, ये है बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो जाए पतन पर। बार बार हमारी सीमा में जो पीछे से वार कर रहे हैं, अब जाकर के बतला दिया जाए उन लोगों से, अब जाकर के समझा दिया जाए उन लोगों को जो हमारी सीमा में पीछे से वार कर रहे हैं, जाकर समझाना के नहीं है, समझाना आप लोगों को है, समझाना हमें है, और समझाना क्या है, तो जाकर कह दो गुवाहाटी से, जाकर कह दो चौपाटी से, जाकर कह दो पर पार्टी से, जाकर दुश्मन की माटी से, जाकर कह दो गद्दारों से, ये चाप लू से मंडारों से, जाकर कह दो बेईमानों से, जासूसी करने वालों से, जो बाय उठेगी भारत पर, जो ये बाय उठेगी इस भारत पर, वो बाय तोड़ दी जाएगी, आंख उठेगी भारत पर, वो आंख फोड़ दी जाएगी, इसे कहते हैं बलिदान, ये है बलिदान। तो बलिदान हो, बलिदान हो जाए इस वतन पर, सच्ची
निष्ठा का मान हो अमात्र भूमि को मेरा ये सतो सतो नमन बंदन हमारा जाओ जागृत कियो शयन कक्ष भी आराम करो विश्राम करो दरबार में तुम्हें पुनः बुलाएंगे शुभ समय आएगा दरबार में तुम्हें पुनः बुलाएंगे जाओ जागृत कियो ब्यास जी महाराज हम देखा क्या करते हैं वर्तमान समय में कि आज आजकल लोगों को समय ही नहीं है भगवान के पास जाने का आजकल लोगों के पास समय नहीं है भगवान के पास जाने का केवल देखा क्या करते हैं कि कारों में लगे रहते हैं लोग जबकि सिद्धांत भी कहता है कि ग्रह कारज नाना जंजाला और दुर्गम कारज सेल विशाला ये कार तो जीवन भर लगे रहते हैं फिर भी लोगों कार के पीछे लगे रहते हैं भगवान के पीछे नहीं जाते तो देखा क्या करते हैं कि आज के समय में लोग सबसे ज्यादा मानता देते हैं तो भगवान को नहीं दौलत को देते हैं धन को देते हैं लोग धन को इकट्ठा करते हैं धन प्राप्त करने में अपना पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं लेकिन भगवान के प्रति नहीं आप लगाव लगते तो क्या होता है उस धन का कहा होगा उस धन का कहां जाएगा ये धन तभी तो हम कहा करते हैं तभी तो हम कहा करते हैं कि धन तो इस धरा के बीच में कि धन तो इस धरा के बीच में तेरा सब धरा रह जाएगा क्या होगा कि पशु भी बंधे रह जाएंगे कब कि जब अंत का दिनों आएगा हाँ जब अंत का दिन आएगा और आप सुन रहे हैं महाराज जनक की विशेष वाणी प्रभावित हुए हमारे आदरणीय पवन द्विवेदी ग्राम गहरौली आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के श्री चरणों में अर्पित है साधुवाद है धन्यवाद है क्या होता है इस धन का कि पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा जब अंत का दिन आएगा लोग प्रेम करते हैं तो उस नारी से क्या होता है उस नारी का सिद्धांत भी कहता है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं व्यक्ति को अपने शरीर और प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता फिर भी प्रेम करता है तो उस नारी से क्या होता है उस नारी का बेचारी का क्या होता है तो नारी नारी लगे प्यारी भली वह रोती खड़ी रह जाएगी और जिस देह पर तो ये गर्व करता वह धूल में मिले जाएगी और धन्य जी हमारे आदरणीय सम्माननीय
श्री श्री 1008 हमारे मृत्युंजय योगी जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी को अर्पित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि वह धूल में मिले जाएगी। और क्या होता है इस वैभव का जो आप लोगों ने एकत्र कर लिया है कि और वैभव इस जगत का और वैभव इस जगत का सब यही पड़ा रह जाएगा कि पशु भी बंधे रह जाएंगे कि जब अंत का दिनों आएगा। हाँ, जब अंत का दिन आएगा। जय शिवा। जय शिवा। महाराज, आज आवश्यकता है उन वीर बल्लों की जो कहा करते थे कि महाराज हमने आपके राज दरबार का नमक खाया है, अगर कभी आवश्यकता हो हमारी तो हमें अवश्य ही याद करना। आज ऐसे वीर मल्लों की आवश्यकता है। कैसे वीर मल? ऐसे वीर मल्लों की आवश्यकता है कि मतवा ले जो मल है उन्हें जाकर तुम ले आओ। तुम्हें जाना है और ऐसे वीर मल्लों को लेकर आना है जो मतवाले है, हष्ट पुष्ट है, जो बलशाली है। क्यों क्यों लेकर के आना है? क्योंकि क्योंकि सुनी पड़ी यह वेद का पे धनुआ देवो रखाना है। तुमको धनुष को स्थापित करना, जाकर के हमारा ये आदेश उन वीर मल्लों को सुना दो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। एक विशेष सूचना है, कमेटी के सभी सदस्यों से एक टेबल रखवा दी जाए ताकि उसमें धनुष रखवा दिया जाएगा। जनक राज मल्लन बुलवाए।